चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, इस टॉपिक के ऊपर लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी स्कूल के लिए, कोई भी पढ़ के नहीं जाएगा, देख के भी नहीं जाएगा, चाहिए ही नहीं, ठीक है। ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन के अंदर भी मेन्स, नीट में एक आध क्वेश्चन आएगा, वो मैं बता दूंगा कौन सा आएगा, सुनते रहो, बहुत बड़े क्वेश्चन ही आएंगे। और मेन्स वालों को प्रीवियस ईयर पेपर जो लोग सॉल्व कर रहे थे कैपेसिटर के, कुछ क्वेश्चन पांच सात क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कह रहा था कि अभी हुए नहीं, क्योंकि कैपेसिटर के साथ आर कनेक्टेड था, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स, तो आर सी सर्किट इसी बोलते हैं, आर एंड सी सर्किट। इवन कैपेसिटर के साथ साथ प्रॉब्लम के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स के अंदर भी पांच सात से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी जो कि इसके ऊपर बेस्ड हैं, तो कुल मिला के 15 प्रॉब्लम मिलेगी। इसका मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब 15 बार आ चुका है मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट है मेंस वालों के लिए। नीट वालों के लिए एक लाइन का क्वेश्चन बता दूंगा एंड में, वो नोट कर लेना, ठीक। अब देखो कहानी समझो, कहानी है क्या, ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की कहानी कहाँ से आ रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं 100% कह सकता हूँ जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, या अगर जो ध्यान से नहीं सुनते, या जिनको नहीं मालूम ज़्यादा, ओके ऐसे बोल लेते हैं, 99% जनता को शायद पूरी ज़िंदगी ये नहीं पता लगा होगा कि कैपेसिटर डीसी करंट को पास नहीं होने देता, ये तो लोग याद भी कर लेते हैं। इसको ऐसे बोलना चाहिए, कब पास होने देते और कब नहीं होने देता लोगों को पता ही नहीं लगता, वो एक लाइन का रट्टा मार लेते हैं, अच्छा डीसी करंट है उड़ा दो, कैपेसिटर में पास नहीं होगा, लेकिन कभी कभी पास होता भी है, ये कैसे हो सकता है, ये कोई मर्जी है, मूड किया तो हो गया, मूड किया नहीं हुआ, ये तो नहीं, कोई लॉजिक तो होगा। कब पास होता है और कब होना बंद हो जाता है, ये टॉपिक आपको डिफरेंशिएट कर देगा। देखो हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है कुछ कि आपके पास एक कैपेसिटर है, और आप ये याद कर लो, जब हमने कैपेसिटर पढ़े थे तो मैंने जितनी भी वायर ली थी उसकी बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं ली थी, मैंने ओनली कैपेसिटर पढ़ाया था और वायर्स कनेक्टिंग वायर की बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं थी। और जब अब हम रेजिस्टर पढ़ रहे हैं, मैंने कैपेसिटर यूज़ नहीं किया, बहुत कम यूज़ किया, क्योंकि हम सिर्फ रेजिस्टर पढ़ रहे हैं। अब हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जिसकी वायर की क्या लेंगे, रेजिस्टेंस, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है ना। ये देखो, जब मैंने एक कैपेसिटर लिया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो मैंने कहा कि देखो ये एक बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, और ये प्लस है तो कैपेसिटर की ये प्लेट भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, कैपेसिटर पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ गया, बात खत्म हो गई, ऐसी बात हुई थी। और ये प्रोसेस कितनी कितनी देर में हुआ था, जैसे मैंने बैटरी का ये कनेक्शन दिया इसे, विद इन नो टाइम, कोई टाइम लैग ही नहीं है, बैटरी कनेक्ट होते ही कैपेसिटर की प्लेट्स भी इमीडिएटली प्लस और माइनस पे आ गई, समय लगा ही नहीं उसे। क्यों नहीं समय लगा, क्योंकि इस वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये वायर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जैसे इस वायर के इस कोने ने यहाँ टच किया, और यहाँ का बैटरी का पोटेंशियल V1 था, इसने इमीडिएटली यहाँ पर V1 कर दिया, और V2 वाले ने क्या कर दिया, V2 कर दिया, टाइम लैग तो था ही नहीं, बस करते ही कैपेसिटर क्या मान लिया गया, चार्ज हो गया, लगाते ही बैटरी चार्ज हो गया। हमने तो नहीं कहा 3 मिलीसेकंड में चार्ज हुआ, 6 माइक्रोसेकंड में चार्ज हुआ, हमने इसकी बात नहीं की, क्योंकि टाइम लैग था ही नहीं, उसी टाइम चार्ज हो गया। लेकिन अब प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली सुनो, होता है कनेक्टिंग वायर की तो रेजिस्टेंस होती है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसकी वायर की रेजिस्टेंस है। अब जब रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट में भागेंगे, रेजिस्टेंस का मतलब टक्करें मारते हुए जाएंगे। अब जब रास्ते में वायर में टक्करें लग रही होंगी, कोलिजन जिसको बोलते हैं, तो फिर कैसे इमीडिएटली चार्ज होगा, वो तो टाइम ले रहा है चार्जिंग में। तो कैपेसिटर प्रैक्टिकली, हम जो तारे लेते हैं, वायर्स लेते हैं, उनकी रेजिस्टेंस होती है, तो प्रैक्टिकली कैपेसिटर इमीडिएटली कभी भी चार्ज होता ही नहीं, क्योंकि वायर की क्या प्रेजेंट, वायर की क्या है इसमें, रेजिस्टेंस। तो फर्क समझ में आ रहा है कि पहले ये बात क्यों नहीं की, अब ये बात क्यों कर रहे हैं। अब पहले क्या हो रहा था, वायर की रेजिस्टेंस ही, अब रेजिस्टेंस है, मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर ये कैपेसिटर कितने समय में चार्ज होता है। तो कितने समय में चार्ज का मतलब मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट जो ये स्टोर कर सकता है, तो जीरो से क्यू नॉट कितनी देर में हो रहा है मैं चेक करना चाहता हूँ। और ये भी चेक करना चाहता हूँ कि जब ये चार्जिंग कर रहा होगा तो 3 मिली सेकेंड पे बताओ, क्वेश्चन पूछूंगा इसमें कितना चार्ज हुआ, अभी
चार मिली सेकेंड पे कितना हुआ, छः पे कितना हुआ, आठ पे कितना हुआ, तो इंस्टेंटेनियस चार्ज देखना चाहता हूँ कैपेसिटर में क्या है, ये टॉपिक उसके अंदर, ये टॉपिक ये आपको आंसर देगा। तो टॉपिक का नाम क्या है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की चार्जिंग की, एक कैपेसिटर लिया, एक बैटरी ली प्लस और माइनस, एक रेजिस्टर लिया। तो बैटरी के प्लस टर्मिनल ने करंट को यहाँ पर सर्कुलेट करवाया। उसी टाइम एक स्टूडेंट खड़ा हुआ होगा, तो सर एक मिनट पहले आपने बोला कि कैपेसिटर करंट डीसी करंट को बैटरी के करंट को पास नहीं होने देता, आप कैसे पास करवा रहे हो, गड़बड़ है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कभी कहते होता है, कभी कहते होता नहीं, फैसला क्यों नहीं कर लेते, इसमें होता है, तो शक्ल देख के कैसे बता देते हो इसमें हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है इसमें, उसमें क्यों नहीं हो रहा था अभी, क्योंकि इसके अंदर अभी चार्जिंग हो रही है। तो करंट इन अ कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी, चार्ज अभी अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज, यानी कि क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो डी क्यू बाई डी टी जीरो नहीं हो सकता ना। और जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था कि डीसी करंट को ब्लॉक कर लेता है कैपेसिटर, पता है कौन से करंट को, स्टेडी, वर्ड क्या लगाया था मैंने, स्टेडी, स्टेडी का मतलब कॉन्स्टेंट, जब चार्ज कॉन्स्टेंट है, या ऐसे बोल लो थोड़ी देर में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, जब वो बिल्कुल फुली चार्ज हो जाएगा तो चार्ज लेना बंद कर देगा, उसी टाइम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट हो गया, स्टेडी स्टेट आ गई। तो जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आती, तब तक कैपेसिटर के अंदर चार्ज भरता जा रहा है, तो तब तक वो करंट को अलाउ करेगा, लेकिन जब वर्ड स्टेडी स्टेट आएगा, कॉन्स्टेंट करंट आएगा, कैपेसिटर क्या करेगा, करंट को पास नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, चार्जिंग के दौरान तो करेगा, जब फुली चार्ज हो जाएगा तो नहीं करेगा। हमने जितने भी क्वेश्चन आज तक किए वो चार्जिंग पे किए ही नहीं, उसने एक शब्द हमेशा यूज किया, स्टेडी स्टेट। आप चेक कर लेना इलेक्ट्रोस्टैट्स, 10 जगह ये वर्ड यूज हुआ, हमने ज्यादा गौर नहीं किया इन स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, ताकि तुम अपना दिमाग ना लगा लो कि बैटरी ऑन होते ही क्या हुआ था, तो उसने पहले मेंशन कर दिया भाई ये फुली चार्ज है, ये स्टडी स्टेट में है, तो करंट पास नहीं होगा, और जब स्टडी स्टेट नहीं होगी करंट पास होगा। तो अभी इसकी चार्जिंग हो रही है, करंट तो पास होगा, तो क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है जो इसमें स्टोर होने वाला है, अभी इंस्टेंट पे कितना चार्ज स्टोर हो चुका है टी टाइम पे क्यू। चलो कुछ ना समझ में आए तो किरचॉफ लॉ लगा दो, कुछ आता भी क्या हमें आर और सी में, लगाओ प्लस से माइनस जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, प्लस से माइनस, माइनस क्यू बाई सी, फिर करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं माइनस आई इंटू आर, माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस ई इक्वल टू जीरो, लूप लॉ लगा दिया, आई इंटू आर एक तरफ, चार्ज भरता जा रहा है तो आई की जगह डी क्यू बाई डी टी, डेरिवेशन को याद नहीं करेगा कोई टेंशन नहीं, देखने भी नहीं आज के बाद, बताऊंगा क्या याद करना है, डी क्यू बाई डी टी, एल सी एम ले लिया, डी टी डी टी और आर और सी को एक तरफ, और जिस टर्म में क्यू आ रहा है उसको एक तरफ, ये टर्म हो गई। इसकी चार्जिंग करते हैं, जब टाइम जीरो था तो चार्ज कैपेसिटर में जीरो था, जब टाइम टी हो गया तो इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। इसमें इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू, ये मैथ के लोग भी आपको करवाएंगे, तो हमने नहीं करना इसकी, अगर हम इंटीग्रेशन करें, लिमिट्स पुट करें, हमने नहीं करनी, हमारे पास ये आंसर आएगा। तो चार्ज किसी भी इंस्टेंट पर ई इंटू सी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी है, ई इंटू सी, ई फॉर ई एम एफ है, सी फॉर कैपेसिटेंस है, तो ई इंटू सी को क्यू नॉट लिखा जाता है, क्यू नॉट का मतलब मैक्सिमम चार्ज है। आर इंटू सी का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला से वैल्यू चेक करूं आर और सी को, तो आर और सी का डायमेंशन फॉर्मूला सेकेंड के साथ मैच करता है, टाइम के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट, इसको रिप्लेस किया जाता है बाय टाउ, तो दिस इज टाउ विच इज नोन एज अ टाइम कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन आप हेडिंग लिखें अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, हेडिंग लिखें चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में ये फॉर्मूला नोट करें, ये फॉर्मूला नोट करें, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू ई सी और टाउ इज इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट। मेडिकल में हद से हद ही आ जाएगा, आर सी के यूनिट किसके साथ मैच करते हैं, सेकेंड्स। अब ये तो उसको पता है ना जिसने टॉपिक सुना हुआ है, जो मेडिकल का बच्चा करेगा ये तुमने करना ही नहीं, तो उसको पता भी नहीं लगा कि सेकेंड्स आएंगे आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक, इतना ही आएगा, नॉन मेडिकल में तो आएगा यार, एक्सपोनेंट्स एंड लॉग्स आएंगे, तो ये टर्म है। तो क्या ये टर्म क्लियर है यहाँ तक, क्लियरेस्ट है, कोई डाउट इसमें,
जैसे अगर कोई पूछे कि 3 मिली सेकेंड पे चार्ज क्या होगा, मैं 3 फुट कर दूंगा यहाँ से चार्ज निकाल लूँगा, तो इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस चार्ज है ये। तो चार्जिंग के दौरान ये फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा। तो पहला स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर टाइम कांस्टेंट क्या चीज़ है, ये कौन सा समय है, ये कैसी अजीब सी बात है, टाओ इज आर सी सेकेंड्स, ये कौन सा समय है, इसको समझो। अगर मैं इस इक्वेशन में स्मॉल टी को टाओ पुट कर दूँ, टाइम की यूनिट्स हैं उसके, टाइम पुट कर दूँ, टाउ पुट कर दूँ, तो ये टर्म 1 हो जाएगी, करना नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो टाइम कांस्टेंट वो समय है, आर इंटू सी इज अ टाइम कांस्टेंट। तुम्हें सर्किट में आर गिवन होगा, सी गिवन होगा, तुम आर इंटू सी से कुछ सेकेंड निकालोगे, ये वो समय है जब चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कितना हो चुका है, 63% ऑफ जितना वो चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। तो लिखो फिगर ये फॉर्मूला रजिस्टर में, वो सीधा मार्क करने को आएगा। टाइम कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज, कि कितना चार्ज है, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो पूछेगा चार्जिंग के दौरान टाइम कॉन्स्टेंट में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक, ये दूसरा रिजल्ट है जो यूज करना है आपने, इसके प्रूफ आपको नहीं देखने, वो तो इसलिए है कि मेरे से आप पूछेंगे कैसे आया, तो मैंने इसलिए बताया। तो क्योंकि लोग, अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिखूँगा आप पूछेंगे ना ये कैसे आ गया फॉर्मूला, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट है, मैथ में आप लोग एक्सपोनेंट के ग्राफ मार्क करते हैं, मैथ वालों को पता है इसका जो ग्राफ बनेगा चार्जिंग का वो ऐसे बनेगा एक्सपोनेंट, और ये चार्ज कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम पे मैक्स होगा। कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज प्रैक्टिकली अचीव कर ही नहीं पाता, वो देखो इनफाइनाइट टाइम, कई दिन लग सकते हैं चार्ज अचीव करने में, लेकिन हम मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे हो गया, मैक्सिमम हो गया, होता नहीं कभी भी, प्रैक्टिकली होता ही नहीं। तो ग्राफ मार्क करने की वजह चार्जिंग में, तो ये ग्राफ मार्क करना है। ठीक, यहां तक क्लियर है?